दोस्तों, यह शहर मंगलापुर है, लेकिन इस शहर में एक किलर है जो एक एक करके कई लोगों को मार चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अरे पांडे, जेब द किलर का कुछ पता चला क्या? नहीं सर, मैंने पूरी कोशिश की जेब द किलर का पता करने की, पर हर बार वह बच के निकल जा रहा है। दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक हवलदार पांडे को एक कॉल आता है, जहां पता चलता है कि जेब द किलर को जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया है। सर, जेब द किलर का पता चल गया है, वह अभी जंगल के अंदर देखा गया है। ये तो गुड न्यूज है पांडे, इस बार जेब द किलर हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। पुलिस को जैसे ही जेब द किलर के बारे में पता चलता है, तो उसी वक्त कई पुलिस वाले अपनी वैन से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही सभी पुलिस वाले जेब द किलर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेब द किलर, आज तुम बचोगे नहीं, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जेब द किलर जंगल में छिपकर पुलिस वाले की सभी बातें सुन रहा था। जेब द किलर, तुम्हें हम सब एक मौका दे रहे हैं, यदि तुम बाहर निकल गए तो हम सब तुम्हें नहीं मारेंगे, और यदि मेरे 10 गिनने तक बाहर नहीं निकले तो तुम्हें मार दिया जाएगा। 1, 2, 3। पुलिस वाले की गिनती सुनकर जेब द किलर बाहर निकलने का फैसला करता है। बहुत अच्छे जेब द किलर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस वालों को लग रहा था कि जेब द किलर अब पकड़ा जाएगा, लेकिन जेफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही जेब द किलर पुलिस वाले के नजदीक पहुंचता है, वह अपने हथियार से उसे मार देता है। एक पुलिस वाले के मरते ही सभी पुलिस जेफ द किलर पर फायर कर देते हैं, लेकिन जेफ बहुत तेज होता है, इसलिए वह बहुत तेजी से एक एक करके कई पुलिस वालों को मार देता है। कई पुलिस वालों को मारने के बाद जेब द किलर वहां से शहर की तरफ भागता है। जेब द किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी वैन में बैठकर जेब का पीछा करने लगती है। पुलिस की वैन को अपने पीछे देखकर जेब तुरंत एक कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। जेब पुलिस से बचने के लिए कार से भागने लगता है, लेकिन फिर भी पुलिस जेब का पीछा करना छोड़ती नहीं है। पुलिस के लगातार पीछा करने की वजह से जेब द किलर चलती गाड़ी से बाहर कूद जाता है। पुलिस की वैन जब तक जेफ के पास पहुंचती है, तब तक जेफ द किलर वहां से भाग चुका होता है। जेफ द किलर, तुम फिर से बच गए, लेकिन अगली बार बचोगे नहीं। गुप्ता जी उठिए, गुप्ता जी जल्दी बाहर आइए। मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी तुरंत घर से बाहर आते हैं। मिश्रा जी, इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है आखिर जो इतनी सुबह आए हो? गुप्ता जी, वो मेरे कजन ब्रदर को मार दिया। वो कौन मिश्रा जी, सही से सब बात बताओ। गुप्ता जी, मुझे उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसने कई लोगों को एक एक करके मार रहा है, और कल मेरे कजन ब्रदर को मार दिया। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर उस कातिल को छोड़ेंगे नहीं। बस आप ये बताइए कि आपका कजन ब्रदर कहाँ रहता था? गुप्ता जी, मेरा कजन ब्रदर यहाँ से 50 कोस दूर मंगलापुर शहर में रहता था, और वहीं उसकी हत्या हुई है। तो ठीक है मिश्रा जी, चलो मंगलापुर, वहीं पता करेंगे कि आखिर कौन एक एक करके सबकी हत्या कर रहा है। शाम होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी मंगलापुर शहर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों के जाते जाते वहाँ रात हो जाती है। तो ये है मंगलापुर शहर। चलो मिश्रा जी, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पता करते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाने वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी एक आदमी घबराते हुए उनके पास आता है। भाई साहब, मुझे बचा लीजिए, वो किले मुझे मार डालेगा, उसने मुझे देख लिया है।
मिश्रा जी, कहीं वो किलर वही तो नहीं जिसे ढूंढने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं? हाँ गुप्ता जी, ऐसा हो सकता है। तुमने किलर को कहाँ देखा ये बताओ, और उस किलर का नाम क्या है? वो किलर को लोग जेफ के नाम से जानते हैं, और मैंने उससे आगे वाली रोड में देखा है। गुप्ता जी किलर के बारे में पूछ ही रहे थे, तभी बचाओ बचाओ की चिल्लाने की आवाज़ दोनों को सुनाई पड़ती है। उसे बचा लीजिए भाई साहब, उसे बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, जेफ तक किलर से मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत उसे बचाने के लिए जेफ की तरफ भागते हैं। जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान वहां मरा पड़ा है और दूसरा जेफ द किलर से बचने की कोशिश कर रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। जेफ द किलर रुक जाओ, उसे मत मारो वरना हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी की बात नहीं मानता है और अपने हथियार से उस व्यक्ति को भी मार देता है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ा किलर है, उसने तो सच में उसे मार दिया। उस व्यक्ति को मारते ही जेफ द किलर वहाँ से भागने लगता है और गुप्ता जी मिश्रा जी उसका पीछा करने लगते हैं। जेफ द किलर, तुमने मेरे कजन को मारा है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जेफ द किलर का लगातार पीछा करते रहते हैं, इसलिए जेफ द किलर एक घर के पीछे छिप जाता है। गुप्ता जी, अचानक जेफ द किलर कहाँ गायब हो गया, आपने देखा क्या? मिश्रा जी, मुझे भी वो नहीं दिखा, शायद वह यहीं कहीं छिपा हुआ है, नहीं तो इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जेफ द किलर को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तभी पुलिस की वैन दूसरी तरफ से आ रही होती है। जेफ द किलर देखता है कि पुलिस वैन इधर ही आ रही है और कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने का सोचता है। जेफ द किलर जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे घेर लेते हैं। जेफ द किलर, बहुत हुआ, तुम अब बचोगे नहीं। जेफ द किलर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पुलिस आ चुकी होती है, इसलिए वह मिश्रा जी पर हमला कर देता है, लेकिन मिश्रा जी अपने आप को बचा लेते हैं। जेफ द किलर, तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर जेफ द किलर पर हमला करते हैं, जिसके चलते जेफ का हथियार वहीं गिर जाता है और तभी पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से आज जेफ द किलर पकड़ा ही गया। ऐसे तुम दोनों का नाम क्या है? इनका नाम गुप्ता जी और मेरा नाम मिश्रा जी है, और इस किलर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। पुलिस जेफ द किलर को वैन में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। मिश्रा जी, अब चलो वापस, हम दोनों ने मिलकर किलर को पुलिस के हवाले कर दिया है, अब यहाँ से सभी लोग शांति से जिएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस अपने घर जाने लगते हैं, और इधर पुलिस जेफ द किलर को जेल में कैद कर देता है। जेल में कैद होते ही जेफ द किलर को गुप्ता जी और मिश्रा जी पर बहुत गुस्सा आता है और सोचता है कि किस प्रकार यहाँ से निकला जाए। तभी जेफ द किलर देखता है कि उसके साथ दो और लोग वहाँ कैद हैं। जेफ द किलर उन दोनों के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो? बाप, देखो हमारा नया मेहमान आया है। हाँ बक, लगता है कोई कांड करके अंदर आया है। बाप, ये जो भी कांड किया है तो उसमें हमें क्या, हमें तो गुप्ता जी और मिश्रा जी से बदला लेना है। बॉब और बक के मुंह से गुप्ता जी और मिश्रा जी का नाम सुनकर जेफ द किलर समझ जाता है कि इन दोनों को भी गुप्ता जी और मिश्रा जी ने अंदर करवाया है। बॉब और बक, तुम दोनों का जो दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है, इसलिए हम सभी एक साथ मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को सबक सिखाएंगे और उसे मार डालेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी से बदला लेने के चलते बॉब और बक जेफ द किलर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हम सब बहुत जल्द आ रहे हैं तुम्हें मारने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेफ द किलर और बॉब और बक सभी मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मार पाएंगे? हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं जेफ द किलर के पार्ट 2 में।